उत्तर प्रदेश में जब से सपा और बसपा का गठबंधन हुआ है तभी से राज्य की सियासत गर्म हो गई है। इसी को लेकर अब केंद्रीय मंत्री सत्यपाल सिंह ने चुटकी लेते हुए कहा है कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा भानुमति ने कुनबा जोड़ा। इस बात को देश की जनता करोड़ों लोग इस बात को मानते हैं, स्वीकार करते हैं, चाहे गाँव का विकास हो, किसानों का कल्याण हो, युवाओं का विकास की उनका रोजगार का प्रश्न हो, उनको संस्कार देने वाली शिक्षा की बात हो। और ये इस बात को पिछले जहाँ उत्तर प्रदेश की अगर आप बात करते हैं विशेष रूप से पिछले लगभग 15 वर्षों के अंदर हमारी योगी सरकार आने से पहले जो लोगों ने कुशासन देखा है, कुशासन में जिस प्रकार से लोग त्राही त्राही कर रहे थे, जिस प्रकार से लोगों के धर्म और जाति के नाम पर, मजहब के नाम पर जिस प्रकार से लोगों की प्रताड़ना होती थी, लोगों ने उससे एक निजात पाया है, उससे लोगों को एक मुक्ति मिली है। मुझको नहीं लगता जिस प्रकार से कहते हैं कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा और भानुमति ने कुनबा जोड़ा, इन लोगों की कोई विचारधारा सेम नहीं, विचारधारा में इनका इतना है, एक दूसरे को जेल में भेजने की जो है घोषणा करते थे, आज अपने अस्तित्व को बचाने के लिए वो लोग आज इकट्ठे हुए हैं। लेकिन जिस प्रकार से विकास की गति, विकास की गंगा जो पूरे देश के अंदर बाहर उत्तर प्रदेश के अंदर है, उसमें ये इस प्रकार के जो गठबंधन है, ये सियासी गठबंधन, ये टेम्परेरी अस्थायी गठबंधन है, ये जनता को गुमराह नहीं कर पाएंगे। दरअसल गाजियाबाद में आज लोनी इलाके की 50 करोड़ रुपए की सड़क और विकास योजनाओं का लोकार्पण करने के लिए सतपाल सिंह एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने सपा बसपा पर तंज कसते हुए कहा कि जेल जाने के डर से दोनों ने ये गठबंधन किया है। पिछली बार सभी पार्टियों के गठबंधन से ज्यादा वोट बीजेपी को मिले थे और इस बार भी मिलेंगे। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में सत्यपाल सिंह के अलावा जिला पंचायत अध्यक्ष लक्ष्मी मावी और स्थानीय विधायक नंद किशोर गुर्जर के समेत तमाम बीजेपी के नेता पहुंचे थे। कार्यक्रम में लोनी के ग्रामीण इलाकों को नई सड़क का तोहफा दिया गया। इस मौके पर सत्यपाल सिंह ने उन चर्चाओं को खारिज कर दिया कि वो मुंबई से चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि उन्होंने बागपत में विकास करवाया है और बागपत से ही चुनाव लड़ेंगे। शायद आप लोगों को मालूम नहीं होगा, पिछली बार भी गठबंधन की पार्टियों को जो अलग अलग जितनी वोट मिली थी उससे ज्यादा वोटें भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को मुझको मिली थी, और ये स्थिति इस बार उससे भी अधिक होगी। जितना काम जो है बागपत लोकसभा क्षेत्र के अंदर हुआ है, इतना पिछले 50 वर्षों के अंदर लोग वहाँ की जानती है, लोग वहाँ के समझते हैं, लोग विकास चाहते हैं, लोग भावनाओं से नहीं, लोग भविष्य की चिंता करते हैं। धन्यवाद। कहाँ से चुनाव लड़ेंगे? चर्चा ये है कि बॉम्बे आप लड़ सकते हैं। अरे मैं तो बागपत का रहने वाला, बागपत से लड़ेंगे। धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, स्टोरी हाउ। हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।